फ्रेंड्स, वेलकम टू जापानीज हैक्स। अभी मैं कुछ पिछले दिनों में पढ़ाई की वजह से काफी बिजी रही, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। बट आज मैंने सोचा, मुझे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला था, तो सोचा आज शेयर करूं आप लोगों से। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और आपको और वीडियोज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते रहे तो उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं। के बारे में पता चला था जो कि है केयर टेकिंग ऑफ एल्डरली पीपल। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि जापान की पॉपुलेशन जो है वो एकदम मतलब गिरती ही जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अभी 30% जो जापान में पॉपुलेशन है वो 65 ईयर्स ओल्ड से ऊपर की है। तो जो नर्सिंग होम्स हैं या ओल्ड एज होम्स हैं या जो केयर करते हैं ओल्ड पीपल की, उनकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है यहाँ पर। तो उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं। तो एक मुझे यहाँ पे पता चला था विच इज कॉल्ड हैप्पीनेस सपोर्ट करके, कोई एक प्राइवेट कंपनी है और ये लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं केयर गिविंग में। और जापान में ऐसा होता है, शायद किसी भी कंट्री में ऐसा होता होगा कि आपके पास कुक का भी काम करना है आपको, तो यू नीड सर्टिफिकेशन। यहाँ पे छोटे से छोटा काम भी करना है तो हमें एक सर्टिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप केयर टेकर का भी जॉब लेते हैं एल्डरली पीपल का ध्यान रखने के लिए, आप उनको मतलब वही आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यू नीड सर्टिफिकेशन है। आप इसमें एनरोल हो सकते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पहले मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। JLPT, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में पिछली कई वीडियोस में बात की है मैंने, वो आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस में। तो ये जो जापानीज में प्रोफिशिएंसी है आपकी, इसमें मिनिमम आपका N4 लेवल मांगा है। तो बेसिक लेवल आपका N4 होना ही चाहिए। दूसरा इसमें है कि 12 इयर्स की पढ़ाई आपकी इंडिया में हुई होनी चाहिए, यानी कि 12 इयर्स मतलब 12th क्लास तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और दूसरी बात कि एजुकेशन आपकी चली आ रही है, उसके बाद 7 इयर्स के अंदर अंदर, अगर आप पढ़ाई छोड़े हुए आपको 7 इयर्स से अंदर अंदर हुए हैं, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको इसकी और डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और इसमें क्या होगा कि N4 आपका मिनिमम, जैसे इसमें एलिजिबिलिटी बोला है कि N4 चाहिए, तो 1 ईयर जब आप जापान आ जाते हैं तो 1 ईयर के लिए वो आपको जापानीज कोर्स पढ़ाते हैं। तो एक तरीके से ये जापानीज कोर्स इसमें इंक्लूडेड है, तो आपका एक लेवल अप हो जाता है, N3 तक आपको निकालना है, एक साल पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद 2 ईयर्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे नर्सिंग में, केयर टेकिंग में, एल्डरली लोगों की कैसे आप केयर कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 ईयर्स का आपका ये सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, और 2 ईयर्स के बाद आप एक प्रॉपर जॉब यहाँ पर कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास सर्टिफिकेशन होगी और आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाएगी, बिकॉज डिमांड ही इतनी है, तो ऑब्वियसली जॉब्स की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी इस फील्ड में स्पेशली। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा फाइनेंशियली मैंने देखा इसमें और सर्च किया, तो मुझे पता चला कि इनिशियली आपको मनी बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। इनिशियली ये लोग आपको कुछ एड प्रोवाइड करते हैं, और कुछ टाइम बाद जब आप 2 ईयर्स वाले सर्टिफिकेशन कोर्स में जाते हैं, तो उस समय आपको अपनी ट्यूशन फी देनी होती है यहाँ पे। तो उस ट्यूशन फी के लिए भी आपको इतना ये सपोर्ट कर देते हैं कि जो केयर टेकिंग ऑलरेडी जो लोग कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, आप उनके अंडर एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हैं। तो जब आप एज एन असिस्टेंट काम करेंगे तो आपको कुछ वो एड मिलेगी, या एक तरीके से कह लो पार्ट टाइम हो गई, तो आपको पैसे मिल जाएंगे उससे। तो आप मोर देन एनफ होगा वो आपको अपना एक्सपेंसेस बियर करने के लिए, और फ्री अकोमोडेशन भी ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में आप और देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, लिंक में सारे जितने भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अच्छा, इस वीडियो को मैं एंड इससे करना चाहूंगी कि
जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ वो मुझे कहीं से पता चलती है या मैं खुद सर्च करती हूँ बैठ के कि आपको आपसे मैं शेयर कर सकूं। तो मैं पर्सनली मैंने इन प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं किया है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप अपने बिहाफ पे भी रिसर्च करें और जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है उसको थोड़ा सा और देखें, और जिनके कॉन्टैक्ट्स उस लिंक में होते हैं उनसे आप डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट करके देखें और फिर ही अच्छे से डिसीजन लें। तो अब आगे आने वाली वीडियोस में मुझे जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स के बारे में काफी लोग पूछ रहे थे, तो उसके बारे में भी मेरे पास जब प्रॉपरली अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी देन आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।